महोदय, इतना निवेदन करने के बाद अब मैं श्रम विभाग की रिपोर्ट जो है उसकी एक मद की ओर तुरंत आ जाता हूँ। जैसा कि पहले मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि हमारे इस श्रम विभाग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। बहुत से प्रश्न है जिनकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं है। उन प्रश्नों को आपको लेना पड़ेगा। आज आपका श्रम विभाग अधिकतर औद्योगिक श्रमिकों की ओर ध्यान दे रहा है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने तो खेतीहर मजदूरों की दशा सुधारने की ओर भी आपका ध्यान दिलाया था और बतलाया था कि आज उनकी कैसी खराब हालत हो रही है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। हमारी सरकार का ध्यान देहाती श्रमिकों की ओर नहीं गया है। उनकी बड़ी बुरी हालत है। आपने उनकी दशा सुधारने के लिए क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लाखों और करोड़ों आदमी देहातों में बेकार बैठे हुए हैं, उनको मजदूरी और काम दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? करीब 7 लाख आदमी नौकरियों के लिए प्रार्थी हैं, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है। इनके अलावा कितने ही लाखों और करोड़ों आदमी देहातों में बेकार बैठे हुए हैं और कितने ही आधी बेकारी की हालत में है, और श्रम विभाग उन बेकारों और आधे बेकारों की संख्या पता लगाने में असमर्थ है। उनकी संख्या हमको कहीं नहीं मिलती है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश में बेकारी बहुत अधिक है। जितना अधिक हम बेकारी को दूर कर सकें, उतना ही अधिक हम अपने देश और समाज को सुखी बनाएंगे। इस कार्य में आपका और आपके विभाग का दायित्व बहुत अधिक है। जो भी नया काम आरंभ होता है, उसका दायित्व श्रम विभाग पर रहता है। वे उसके मालिक नहीं, बल्कि धन जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। उन्होंने इस भावना को देश की जनता तक पहुंचाने में बड़ा प्रयत्न किया और उसी विचारधारा को
लेकर विनोबा जी ने सारे देश में एक नई हलचल पैदा कर दी।